अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी के फ़ज़ाइल और मसाइल जानने के लिए इस चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जिनको डॉक्टर ने लाजवाब कह दिया हो और मायूस कर दिया हो या फिर परेशान कर दिया हो, तो उनके को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आज का ये वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। जिस मर्ज को डॉक्टर ने या हकीम ने लाजवाब कह कर मायूस कर दिया यानी कि परेशान कर दिया, तो उससे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस ना हो, उस पर भरोसा करे और रमज़ान शरीफ में रोज़ाना नमाज फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह के बिस्मिल्लाह शरीफ की मीम को अलहम्दु के नाम से मिलाकर पढ़े, यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलहम्दु रब्बिल आलमीन, और एक गिलास पानी पर दम करके इसी पानी से रोज़ा अफ्तार करे। अगर रोज़ा ना रख सकता हो तो पूरा दिन ये पानी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता तो कोई दूसरा भी ये अमल कर सकता है। और साथ में ये भी कहूँगी कि अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे के करने से आपको शफा मिलेगी इंशाल्लाह और आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगी। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।